और वहीं देश के कई हिस्सों से बाढ़ के पानी की वजह से लोगों के फंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर जरा सी देर हो जाती है तो इनकी जान भी जा सकती है। देखिए, बाढ़, बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीर। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ने से दो लोग नदी के टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। पहाड़ में बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी तस्वीरें नवी मुंबई के बेलापुर से भी देखने को मिली। यहां पानी के तेज बहाव में 40 से 50 लोग फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। मुंबई में दो दिन से भारी बारिश जारी है। बारिश ने पूरी मुंबई की परेशानी बढ़ा दी है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। प्रशासन ने लोगों को समंदर किनारे न जाने की चेतावनी दी है। उधर उत्तरकाशी में भी गंगोत्री नेशनल हाईवे सुबह से ही बंद है। मनेरी, नेताला, बिशनपुर के पास हाईवे बंद है। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे के नेताला की है, जहां पूरा हाईवे दलदल में तब्दील हो गया है। एक कार यहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, जो पूरी तरह से दलदल में फंस गई। गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह कांवड़ यात्री सड़क बंद होने से फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। वहीं हाईवे में फंसे हुए कांवड़ यात्रियों को पैदल धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पिथौरागढ़ के मदकोट क्षेत्र में खतरा मंडराने लगा है। यहां मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के तेज बहाव के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, खासकर देवीबगड़ और भैरवबगड़ में तो कई घरों में भी खतरा पैदा हो गया है। इन इलाकों में नदी लगातार किनारे की जमीन को निगल रही है। खतरे को देखते हुए लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। वहीं बागेश्वर में बारिश से सरयू और गोमती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। सरयू नदी पूरे उफान में बह रही है। लगातार बारिश से सरयू नदी घाटों को छूते हुए लोगों के घरों तक पहुंच गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बागेश्वर में फिलहाल 10 सड़कें मलबा आने से बंद है। बंद सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बारिश की वजह से प्रशासन की टीम को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में सुबह से ही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन तेज बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और आम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बाद देहरादून के कारी ग्रांड क्षेत्र में बारिश का पानी घुस गया। वहीं कई घरों में मलबा भी घुस गया। विकास नगर में शिमला बाईपास रोड पर कई जगह रपटे में पानी आने से आवाजाही बाधित रही। यहां रामगढ़ और सिहनी वाला के बीच एक रपटे में आए पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हुईं।